हेलो गाइस, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं कोर्सेयर के कटार प्रो का, जो एक बजट फ्रेंडली लाइट वेट गेमिंग माउस है। इसका रिव्यू काफ़ी दिन से मैं करना चाहता था, मैं चेक करना चाहता था क्या इसमें स्पेशल फीचर्स है या कैसे ये अलग है बाकी बजट माउस से। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है लॉजिटेक का G102 लाइट सिंक, और इनका प्राइस भी काफ़ी सिमिलर है और इनका डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो इनमें से कौन सा बेटर है आपके लिए? वेल, इसका आंसर मैं आज आपको दूंगा, और बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। अब मेरे सुंदर प्यारे बच्चों, कहानी का समय है। अब मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ कोर्सेयर के माउस के साथ मेरे एक्सपीरियंस की। कहानी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है बिकॉज एक्सपीरियंस मेरे साथ बुरा रहा है। मैंने कोर्सेयर के 2 या 3 माउस रिव्यू किए हुए हैं और सारे के सारे सिर्फ 6 या 5 महीने के अंदर ख़राब हो गए। बटन्स काम करना बंद कर गए, डबल क्लिकिंग, स्क्रोल इशूज़, एवरीथिंग। एंड वो माउस रिव्यू यूनिट्स थे और हर एक माउस 6,500 रुपये का था। जब इतने महंगे पेरिफेरल्स के साथ ये प्रॉब्लम आई थी तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि क्या सस्ते माउस में कुछ कर पाएंगे अच्छा। कटार प्रो उन्होंने लॉन्च किया इंडिया में M55 के बाद। पहले तो मुझे पेपर पे यकीन नहीं हो रहा था कि कोर्सेयर ने फाइनली एक ठीक ठाक सा दिखने वाला माउस लॉन्च किया, बिकॉज कोर्सेयर जाना जाता है अपने अजीब से फ्लैशी ज़्यादा डिज़ाइंस के, जो एर्गोनॉमिक से ज़्यादा लुक्स पे फोकस करते हैं। तो जो कटार प्रो है ये एक बहुत ही सेफ डिज़ाइन के साथ आता है, सेफ शेप के साथ आता है, और इसमें एक बहुत खास फीचर है इसका लाइट वेट डिज़ाइन। एंड ये ऑलमोस्ट कॉपीकैट है लॉजिटेक के G102 का, जो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। ये अंडे जैसी शेप बहुत ज़्यादा लोगों के ग्रिप्स में फिट होती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है कॉपी करने में। इट्स ऑल फाइन, इट्स वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ कर्व्स, इन टर्म्स ऑफ एजेस, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। आप दूर से देखेंगे तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको साइड प्रोफाइल से देखें इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो है इसका स्लोपिंग बैक। जो इसका बैक है वो ज़्यादा स्लोपिंग शेप में है, आपका पाम ज़्यादा एंगल पे रेस्ट होता है उस पर, और जो पाम यूजर्स है जिनके हाथ थोड़े छोटे साइज में है, यानी लेस देन 18 सेंटीमीटर, अराउंड लेस देन और अराउंड 17 सेंटीमीटर्स, उनको पाम ग्रिप करने में इसको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। बिकॉज G102 के साथ मुझे लगता है कि पाम ग्रिप इतना कंफर्टेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स स्लाइटली फ्लैटर शेप। विद द कटार प्रो इट्स मच मोर कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द स्लोपिंग बैक। इन टर्म्स ऑफ ग्रिप प्रेफरेंसेस, मेरे ख्याल से ये सारे ग्रिप्स के साथ ठीक ठाक काम कर जाएगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा बड़े हाथ है देन इट मे बी अनकंफर्टेबल, वो G102 के साथ भी प्रॉब्लम थी। फॉर लेस देन 19 सेंटीमीटर हैंड्स इट शुड बी फाइन। अगर हम नीचे से भी देखें दोनों माउस ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों की ग्रिप विथ जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है वो है इसका टेक्सचर। इसकी जो बॉडी है वो ज़्यादा ग्रिपी है बिकॉज ऑफ द टेक्सचर्ड साइड्स, और यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइंगल्स बने हुए हैं। लॉन्ग टर्म में कैसा चलेगी उसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज विद द G102 उसका सर्फेस स्टार्टिंग में मैट था लेकिन बाद में ग्लॉसी हो गया था। मैं होप करता हूँ इसके भी जो ट्राइंगल्स है वो कहीं सर्कल्स में ना बदल जाए। जहाँ डायमेंशन दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, वेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, विद द कटार प्रो कमिंग एट जस्ट 69 ग्राम्स, जो ऑलमोस्ट ग्लोरियस के माउस के लेवल पे है, लाइक द मॉडल ओ, मॉडल डी। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट इन माई ओपिनियन, बिकॉज नॉर्मली बजट माउस थोड़े हैवी होते हैं एंड G102 भी 85 ग्राम्स का ऑलमोस्ट। सो 69 ग्राम्स इज अ बिग इम्प्रूवमेंट, एंड यू कैन डेफिनेटली फील जब आप दोनों माउस का यूज़ करते हैं। लेकिन इस लो वेट का एक्सपीरियंस दो चीज़ों की वजह से हैम्पर हो जाता है, एंड एक तो स्पॉयलर है, इट्स रिलेटेड टू सेंसर, एंड जो दूसरा है वो है इसकी केबल। मैंने इससे बेटर केबल्स देखी है बजट में, फॉर एग्जाम्पल लॉजिटेक का प्रोडिजी एंड कॉस्मिक बाइट का 0G। इट्स स्ट्रेंज टू सी कि रेड ड्रैगन, रेड गियर या फिर कॉस्मिक बाइट जैसी कंपनीज अपने माउस के केबल्स के साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करी है विद सॉफ्टर केबल्स, विद बेटर केबल्स, तो यहाँ पे कोर्सेयर जैसी बड़ी कंपनीज क्यों कुछ ऐसा नहीं करी। आई वुड लव कि कुछ अपग्रेड्स वगैरह किया जाए इस केबल के साथ, बिकॉज इट्स स्टिल वेरी किंकी, इट्स वेरी हार्ड। इसका कनेक्टर काफ़ी फैंसी है तो वो अच्छी बात है, उन्होंने सारा पैसा कनेक्टर पर डाल दिया विच इज़ वियर्ड। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अपना माउस खोलो, उसकी वारंटी वॉइड करो और उसकी केबल रिप्लेस कर लो। सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करना। बाकी इसके जो बटन्स हैं, यहाँ पे 6 बटन्स हैं, यू कैन प्रोग्राम ऑल ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो बटन्स की क्वालिटी है, जो प्राइमरी बटन्स है, दीज आर ऑफ वेरी नाइस क्वालिटी, मतलब वो क्लिकी है, वो टैक्टाइल है, उनकी साउंड भी अच्छी है। ये G102 जितने लाउड तो नहीं है लेकिन स्टिल हैव गुड टैक्टाइल फीडबैक, और जो प्री ट्रैवल है, पोस्ट ट्रैवल है, मतलब ट्रैवल डिस्टेंस है की का, स्विच का, वो भी ठीक है। इसके जो स्विचेस है वो मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं कौन सी कंपनी के हैं, कौन सी ब्रांड के हैं, लेकिन कोर्सेयर इस क्लेमिंग की ये 30 मिलियन रेटेड है। सो उसी मामले में ये G102 से बेटर है, बिकॉज G102 इज ओनली रेटेड फॉर 10 मिलियन क्लिक्स ऑन द प्राइमरी स्विचेस। लेकिन जो साइड बटन्स है वो डेफिनेटली G102 में बेटर है, बिकॉज इसके साइड बटन्स बहुत ज़्यादा लूज लगे मुझको। दे हैव द फीडबैक, दे
हैव द क्लिकीनेस टैक्टाइलनेस वर्ड होते हैं पता नहीं, बहुत जल्दी क्लिक हो जाते हैं। मेरे से कई बार मिसप्रेसेस हुए हैं, कमांड्स वगैरह असाइन करता हूँ तो कई बार मेरी कमांड्स गलती से खुल गई है मैच के बीच में, या फिर ब्राउज करते करते गलती से बैक हो चुका था वेब पेज बिकॉज मैंने गलती से प्रेस कर दिया। ऐसी प्रॉब्लम मुझे G102 के साथ नहीं हुई आज तक, ये ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी कॉस्मिक बाइट के 0G के साथ। बाकी मिडिल क्लिक और इसका जो DPI बटन है दोज आर नाइस, एंड इसका जो स्क्रोल व्हील भी है वो भी मुझे थोड़ा बेटर लगा कम्पेयर टू द G102 ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ग्रिप है, थोड़ा ज़्यादा टाइट लगता है। अगर साइड बटन्स इंप्रूव करें तो ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर होगा। तो हम लोग बात करते हैं नीचे वाले एरिया की, एंड मैं बात कर रहा हूँ ट्रैकिंग की, और ट्रैकिंग दोनों में सिमिलर है, बहुत ज़्यादा एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। सो इट विल वर्क विद फास्टर और यू नो बेटर माउस पैड्स, कंट्रोल टाइप के माउस पैड्स में थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस ज़रूर फील होता है अगर आपने ज़रा सा भी कोई अच्छे क्वालिटी के माउस फीड यूज़ किए हैं तो। जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट, लाइटर वेट, अगर हम केबल को इग्नोर कर दें, इसको मूव करना ज़्यादा आसान है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, इनर्शिया वगैरह कुछ वो न्यूटन भैया के कुछ होंगे रूल्स। कटार प्रो का सिर्फ वेट का एडवांटेज जरूर आपको मिलता है, लेकिन अदरवाइज द ट्रैकिंग इज़ वेरी सिमिलर। फाइनली हम लोग बात करते हैं इसके सेंसर की, एंड आई वॉज सो एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपेरिजन्स होंगे और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस निकल के आएंगे, एंड फाइनली मेरे टेस्टिंग के मेथडोलॉजी का नतीजा निकल के आएगा। सो कतार प्रो इज यूजिंग अ पिक्सार्ट PAW3327 सेंसर। टेक्निकली तो बहुत अच्छा सेंसर है फॉर बीइंग अ बजट सेंसर, लेकिन कोर्सर ने अपनी उंगली डालनी होती है बीच में, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी होती है, एंड दे डिड इट बिकॉज ये जो पिक्सार्ट सेंसर है बाय डिफॉल्ट इट्स रेटेड फॉर 6200 DPI और CPI, लेकिन कोर्सर ने इसके साथ थोड़ी सी ट्वीकिंग की है, थोड़े से फर्मवेयर को अपडेट किया है और उन्होंने थोड़ी सी एक्स्ट्रापोलेशन डाली हुई है, और बेसिकली अब इनका जो सेंसर है वो रेटेड है 12400 या 800 DPI। करेक्शन यहाँ पे सामने हो गया आपके। इसका सबसे पहला नतीजा दिखता है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस पे, माउस का लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस सबसे कुछ खराब लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस रिजल्ट्स में से एक है जो मैंने पिछले कुछ साल दो साल में देखे हैं। इट्स ओवर 4 millimeters या फिर 3 DVDs से ज़्यादा। एक अच्छे माउस सेंसर को मेरे ख्याल से उसके सबसे लोएस्ट सेटिंग पे 1 DVD से ज़्यादा लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब भी आप माउस को मूव करते हैं तो ये हवा में भी उसको ट्रैक करता है, और अगर आपके पास एक हाई FPS डिस्प्ले है यानी 144Hz डिस्प्ले, तो वो आपको एक जेलो इफेक्ट देती है आपकी मूवमेंट पे, आपका माउस आपको लगता है कि वो हवा में झूल रहा है। G102 की बात करें, इसका जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है वो करीब करीब 1 DVD के आसपास है। उसने मेरा बड़ा दिमाग ख़राब किया, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इतनी ज़्यादा हाई लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, एटलीस्ट मुझे आदत नहीं है। अगर आप भी किसी बजट गेमिंग माउस से आ रहे ना, बजट यानी 200 रुपये, 300 रुपये, 400, 500 रुपये, इधर शिफ्ट करना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगेगा, लेकिन अगर आपने कोई भी दूसरा माउस यूज़ किया ना, यू विल कम्प्लीटली नोटिस इट। सो वो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। अब मैं आपको कुछ और टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा हमारी माउस टेस्टिंग वाली वीडियो एक बार ज़रूर जाके चेक कर ले, बिकॉज उससे आपको जो आने वाले टेस्ट है उनको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और जो चार्ट्स भी होंगे आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें आपको बेसिकली नोटिस करनी है। सो सबसे पहले हमारा जो टेस्ट है वो है CPI डेविएशन, और CPI डेविएशन बेसिकली जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, और इस माउस के साथ थोड़ी चीज़ें इधर उधर है बिकॉज 400 DPI अगर मैं सेट करता हूँ तो माउस का, तो वो जो एक्चुअल DPI CPI निकल के आता है वो है 421 के आसपास, 421, जो थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। और सबसे जो वियर्ड रिजल्ट था वो था 3200 DPI, 3200 DPI, बिकॉज 3200 DPI माउस के सॉफ्टवेयर पे सेट करने पे जो एक्चुअल DPI निकल के आती है, CPI निकल के आती है, इट्स 3000, इतना बड़ा डेविएशन कैसे हो गया रे भैया। अगला जो हमारा टेस्ट है वो है पोलिंग रेट स्टेबिलिटी, एंड इस माउस की पोलिंग रेट के साथ कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है बिकॉज इट्स स्लाइटली अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कभार बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है इसका कनेक्शन, कभी कभार बहुत ज़्यादा वॉन्की हो जाता है, यहाँ से वहाँ हो जाता है, और दिस इज़ विद द अपडेटेड फर्मवेयर। जिस दिन मैंने इस माउस को इंस्टॉल किया था अपने PC पे, उसी दिन एक फर्मवेयर आया था, उसके बाद भी ये रिजल्ट्स है।
मैंने कुछ लोगों के पुराने चार्ट्स देखे थे, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था पोलिंग रेट का सीन, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर हुआ, लेकिन इट्स स्टिल नॉट कम्प्लीटली गॉन। और इसका जो रिजल्ट है वो आपको हमारे अगले टेस्ट में दिखता है, एंड वो है एक्स काउंट्स। एंड यहाँ पे जो आप डिप्स देख रहे हो, जो इरेगुलरिटीज देख रहे हो जो चार्ट के फ्लो पे यानी लाइन के फ्लो पे, वो नोटिस करने वाली है। इट्स नॉट ट्रैकिंग कम्प्लीटली एक्यूरेटली, एंड जितना माउस को तेज मूव करते हैं ये चीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। कंपेरिजन के लिए ये रहा G102 का चार्ट, एंड एज यू कैन सी इट्स मच मोर स्मूथ, और यहाँ पे ज़्यादा क्लीन लाइन है, ज़्यादा स्टेबल लाइन है। एंड अगला हमारा टेस्ट है परफेक्ट कंट्रोल स्पीड टेस्ट, या फिर स्पिन आउट टेस्ट जिसको मैं नॉर्मली कहता हूँ। एंड ये टेस्ट बेचारा हमारा G102 हार जाता है, बिकॉज इट कैन ओनली ट्रैक अप टू द स्पीड ऑफ 3 meters per second। 3 meters per second के ऊपर ये ट्रैकिंग बंद कर देता है, तो इट्स कम्प्लीटली डेड देयर। कटार प्रो हमारा अप टू 5 meters per second ट्रैक कर लेता है, लेकिन इसकी बेसिकली जो इनपुट आ रही है ट्रैकिंग की वो सही नहीं है। अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेट सेंसर चाहिए ना, टेक्निकली ज़्यादा एक्यूरेट सेंसर, तो वो G102 का है, लेकिन ओनली अप टू 3 meters per second। अगर आप 3 meters per second से ज़्यादा पुश करना चाहते हैं अपने माउस को फॉरवर्ड वट एवर रीज़न, देन इट्स बेटर कि आप कटार प्रो कंसिडर करें। एंगल स्नैपिंग नहीं है यहाँ पे, सो दैट्स अ गुड थिंग। ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई वो आराम से सॉल्व की जा सकती है विद अ फर्मवेयर अपडेट फ्रॉम Corsair। सो Corsair, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कंसिडर अपडेटिंग योर माउस, बिकॉज फाइनल फर्मवेयर अपग्रेड के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब उस लंबी चौड़ी कहानी के बाद अबाउट द सेंसर परफॉर्मेंस, हम लोग फाइनली सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फैक्टर जो डिफ्रेंशिएट करेगा इन दोनों माउस को, और वो है RGB। इसकी RGB के लिए इन्होंने स्क्रोल व्हील में एक छोटी सी लाइट दी है, एंड दैट्स ऑल यू गेट। G102 इज़ अ विनर, जस्ट बिकॉज वहाँ पे थोड़े बहुत 3 रंग दिख जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 750 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं सॉफ्टवेयर में। आई एम टॉकिंग अबाउट Corsair IQ। एंड एक छोटी सी चीज़ जो मैंने नोटिस की जब मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, जिससे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, वो थी कि जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, फर्स्ट टाइम ओपन किया, तो इसने मेरे विंडोज़ की माउस सेटिंग्स को ऑन कर दिया था, छेड़ दिया था। बेसिकली इसने मेरी पॉइंटर स्पीड को 6x11 से 11x11 कर दिया था, तो मेरा माउस उड़ रहा था लिटरली। दूसरी तरफ इसने एक्सेलरेशन ऑन कर दी थी सॉफ्टवेयर ने, जो पॉइंटलेस है। वाई वुड यू टर्न ऑन एक्सेलरेशन ऑन अ ऑलरेडी बैड माउस? सो ये दोनों चीज़ें अजीब लगी मुझे। तो अदरवाइज सॉफ्टवेयर इज़ फाइन, Corsair स्टिल हैज़ वन ऑफ द बेस्ट RGB सॉफ्टवेयर इन द मार्केट, लेकिन इस माउस के साथ कुछ ज़्यादा आपको RGB मिलता नहीं, इट्स फाइन। सो फाइनली आखिरकार अंत में हम आपको कंक्लूजन देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंसर ना मैं G102 प्रेफर करूँगा, बिकॉज आई स्टिल थिंक द G102 हैज़ अ मोर डिपेंडेबल सेंसर। G102 का तो गारंटी है डबल क्लिक कभी ना कभी आना है, साल बाद वो परसों आए नरसों आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आएगा। मे बी मैं कतार प्रो का भी एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करूँ। चलो एक टारगेट रखते हैं, अगर इस वीडियो को 20 करोड़ लाइक्स मिलते हैं तो मैं कतार प्रो का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करूँगा, अदरवाइज शायद ना करूँ। तो इस वीडियो का कंक्लूजन देना बहुत ही मुश्किल है, कंपेरिजन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके बेसिस पर डिसीजन लेना आपकी जिम्मेदारी है आई गेस। अगर Corsair अपने सेंसर को ठीक कर लेती है बाय द हेल्प ऑफ फर्मवेयर अपडेट्स, मे बी तब शायद Corsair को मैं बजट माउस का किंग कहूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चंस है इन दोनों माउस के बीच में तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, लेकिन कमेंट्स में प्लीज़ ये मत पूछना कौन सा ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मैं अभी आंसर नहीं दे सकता। बाकी कोई फीडबैक है इस वीडियो के बारे में तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन